आवाज आ रही है? हेलो, चलो सर, ठीक है। सर आ रही है। चलो, तो आज अपन जो कल डिफिकल्ट वाला पार्ट पढ़ रहे थे उसी पार्ट पे थोड़ा सा और अपन बिल्ड करते हैं। ओके, आई होप आप सब लोग थोड़ा थोड़ा रिवाइज करके आए हो लास्ट लेक्चर का। तो एज आई कैन सी अपना कुछ क्वेश्चन तो नहीं बाकी था, एक क्वेश्चन बचा था। इक्वेशन ऑफ क्वेश्चंस बाकी थे, तीन क्वेश्चंस बाकी थे। कौन से बाकी थे? अच्छा, ओके ओके ओके, सॉरी सॉरी सॉरी, मिस इट। हां, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, याद है। सर वो आप थोड़ा बाद में डिस्कस कर सकते हैं। सर अटेम्प्ट नहीं हुआ है एक्चुअली, सर डाउट लेक्चर में कर लोगे? श्योर, मतलब जैसा तुम लोग बोलो। हां सर, डोंट डाउट लेक्चर होगी सर। ठीक है चलो, बट करके आना अटेम्प्ट, फिर ऐसा मत करना कि yes. है ना, एक्चुअली कल ही लेक्चर था ना पिछला, तो याद नहीं है। चलो कोई बात नहीं, ठीक है, नेवर माइंड, बट करवा लेना। ठीक है, करवा लेना डिस्कस समहाउ। ओके, दैट्स योर रिस्पांसिबिलिटी, अब तुम्हें करवाना है। अच्छे क्वेश्चन है वो, क्योंकि काफी अच्छे। तो चलो क्वेश्चन वन, एक ये वाला बाकी था इफ आई रिमेम्बर करेक्टली, दैट सर्कल और उस पर एक पॉइंट है ना, सर्कल पर एक पॉइंट है तो उस पॉइंट पे टेंजेंट निकाल सकते हैं क्या, है ना? एंड दिस इज नॉट टू बी मेमोराइज, दिस इज जस्ट दैट क्या हम अभी जो सीखा है उसको अप्लाई कर सकते हैं क्या? चलो देखते हैं, अच्छे से सोच के बताना। अगर तुम्हें इस लाइन की इक्वेशन चाहिए तो इस लाइन की इक्वेशन के लिए, एक तो कितने बच्चों में समझ आ रहा है, एक तो लाइन पासेस थ्रू जेड वन, और क्या मिल जाए सो दैट मैं इक्वेशन लिख पाऊं, और क्या मिल जाए? स्लोप, स्लोप, स्लोप। इस लाइन का कॉम्प्लेक्स स्लोप मुझे अभी तो पता नहीं है, मैं किसका निकाल सकता हूँ बताओ? व्हाट एल्स इज लेफ्ट टू यूज, क्या बनाना बाकी अभी यहाँ पे? सर ओ एंड ए का स्लोप। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कितने बच्चों को समझ रहा है स्लोप ऑफ ओ ए? इट इज लाइन जॉइनिंग जेड वन एंड ओरिजिन, तो जेड वन माइनस जेड टू अपॉन जेड वन बार माइनस जेड टू बार, याद आ रहा है? ऐसे लिख दू, जेड वन माइनस जीरो अपॉन उसका बार, मतलब This is the complex slope of OA. So what should be the complex slope of line if these two are perpendicular? Excellent, excellent. कितने बच्चों का याद आ रहा है? Mu plus mu bar zero होता है. बस तो slope पता है and it passes through z1. तो अगर line passes through z1 and has complex slope z1, ये जो भी given है, याद आ रहा है? That's it. टू आर नहीं ब्रायन, इट वॉज आर स्क्वायर, आई थिंक टू आर स्क्वायर। नहीं, जो टू पॉइंट है ना, तो जेड वन माइनस जीरो अपॉन उसका कॉन्जुगेट। नहीं सर, नहीं सर, टेंजेंट का स्लोप माइनस जेड वन बार अपॉन जेड वन ना सर, परपेंडिकुलर राइट। अबे तो बंदर भूल गए कल ही के कल पढ़ा है, म्यू वन प्लस म्यू टू जीरो होता है ना, तो इसका स्लोप ये है तो इसका नेगेटिव हो जाएगा। डायरेक्टली लिख देता हूँ सिंप्लीफाई करके, जेड बार जेड वन माइनस जेड वन बार इक्वल टू जीरो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐसे करके लिख दिया, तो ये क्या बन रहा है बच्चों? जेड वन बार जेड प्लस जेड Z1 Z bar equals to 2 mod Z1 square, ऐसा बन रहा है। और mod Z1 की value, do you understand, it's R, क्योंकि mod Z1 is lying on the circle, mod Z equals to R, ये circle पे lie कर रहा है तो इसको satisfy करेगा, तो ये kind of बन रहा है Z1 bar Z plus Z1 Z bar, क्या लिख रहा हूँ, हाँ, equals to 2 R square, this is the equation of a tangent, ठीक है? I hope सबको समझा, बस that's it, तो अब मैंने इसे अप्लाई करके दिखा दिया तो आपको लग रहा हो कि हाँ यार इतना डिफिकल्ट नहीं था, बट खुद से जब कर रहे हो तब लग रहा हो पता नहीं क्या पूछ लिया मैं, तो हेल्प यू गेट इट, ठीक है? ये ऐसे कोई मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं हम लोग, और जेई में एकदम ऐसे मैंने इसका हार्डली, मतलब ऐसा बहुत छोटा सा माइन्यूट सा एप्लीकेशन देखा है, इतना एप्लीकेशन नहीं देखा है। मैं तो बस ये बता रहा था कि आपको अगर कॉन्सेप्ट आता है तो क्या आप आगे की चीजें खुद से डिराइव कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। All of these were questions. All of these were just questions. ठीक है? तो चलो, मुझे एक question कराना ही है. Before I start teaching with anything, एक question तो मुझे कराना ही है.
लेट्स डू दैट क्वेश्चन एंड देन प्रोसीड, ठीक है, चलेगा ना? एक क्वेश्चन देख लेते हैं इस पे. और सर, हाँ सर, वो Z1 mod square कैसे आया? अरे अगर Z1 इस सर्कल पे लाई कर रहा है, mod Z equals to R पे Z1 लाई कर रहा है, तो सेटिस्फाई करेगा ना? तो mod Z1 की वैल्यू, और ये सर्कल की इक्वेशन क्या है, mod Z equals to R, तो Z1 इस पे लाई कर रहा है, तो mod Z1 की वैल्यू R रख दी, ठीक है? यस. हाँ चलो सर, आपने वो ट्रायंगल इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस कर दिए? नहीं किया यार अभी, वो कुछ बच्चों ने बोला कि सर अभी अटेम्प्ट ही नहीं हो पाया अच्छे से, तो अगर नेक्स्ट टाइम कर देना तो ठीक है. हाँ चलो, तो एक क्वेश्चन मुझे कराना ही है, बिल्कुल कराना है. फाइंड फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम ए Z1 टू द गिवन लाइन ए बार जेड प्लस ए जेड बार प्लस बी इक्वल्स टू जीरो. ये आपको अभी ट्राई करना, सोचो क्या क्या यूज करोगे, सोचो क्या क्या यूज करोगे. फाइंड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ए जेड वन टू द लाइन ए बार जेड प्लस ए जेड बार प्लस बी इक्वल्स टू जीरो, एंड ऑल्सो फाइंड, पहले फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ए जेड वन फ्रॉम ए बार जेड प्लस ए जेड बार प्लस बी इक्वल्स टू जीरो. पहले फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना. और मेरे मन में एक और क्वेश्चन आ रहा है, ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन मैं आपको पहले करवा चुका हूं, बट लेट्स सी आप ये सॉल्व कर सकते हो क्या. क्वेश्चन वन जल्दी स्टार्ट करो. चलो ये दो क्वेश्चन, पहला सोचो, जस्ट ऐसे सोचो कि क्या क्या कंडीशंस यूज कर सकते हो, और जो जो कंडीशंस अप्लाई करोगे वो सारी कंडीशंस अपन कॉम्प्लेक्स फॉर्म में भी सीख चुके हैं. डू नॉट इवन गो अबाउट रियल नंबर में कन्वर्ट करना या फिर रियल नंबर के बारे में सोचना. वॉट एवर कंडीशंस यू आर गोइंग टू यूज, ऑल द कंडीशंस आई हैव टॉट यू इन कॉम्प्लेक्स फॉर्म ओनली. तो लेट फुट ऑफ परपेंडिकुलर बी बी जेड टू. दो मिनट. हाँ हाँ बस बस इतना लिखा हूँ, लेट बी जेड टू बी द फुट ऑफ परपेंडिकुलर. चलो ट्राई करो, आई विल गिव यू 3 to 4 minutes. सर वो थोड़ा ऊपर का बताओ. ऊपर का इज इन लाइक सर, ये क्वेश्चन क्वेश्चन. अच्छा हाँ ये रहे ना क्वेश्चन, ये लो. ऊपर का भी अगर कॉपी करना तो ले देख लो. ये हाँ हरी कर सकते हो, व्हाई नॉट, बिल्कुल कर सकते हो. हाँ अशोक चलेगा, करके देखो जल्दी, बिल्कुल ठीक है, ट्राई करो. सर थोड़ा नीचे स्क्रॉल करते हैं, एक सेकंड बस, ये किसी को अगर कॉपी करना हो तो देख लेंगे बस. तब तक क्वेश्चन वन कंप्लीट कर लो, क्वेश्चन वन के दो पार्ट हैं, उसका स्क्रॉल कर दूंगा. हाँ हरी भवसार ऐसा ही कुछ है, करेक्ट, ऐसा ही कुछ है, मस्त बढ़िया. देन इसका सेकंड पार्ट करो. यस निशित चलेगा बिल्कुल, निशित परफेक्टली फाइन, करो करो जल्दी सॉल्व करो. सो यू गेट द आइडिया कि यार मतलब सिंपल वही चीजों को, ये हमें आता है काइंड ऑफ, बस यही कि उनको अपन को कॉम्प्लेक्स फॉर्म में सॉल्व करना है. तो सोचो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में भी सॉल्व करना मैंने सिखा दिया है कि जेड टू अगर फुट ऑफ परपेंडिकुलर है तो क्या क्या नेसेसरी है. सोचो 2-3 मिनट में ट्राई करो.
सर इस रिजल्ट को याद रख सकते हैं? नहीं। ओके सर। हाँ मॉड्यूलस, हरी हरी उसका मॉड्यूलस भी मॉड ऑफ दैट, एकदम सही है, वेरी गुड, एक्सीलेंट। चलो कर दूं, बताओ बच्चों। सर एक डाउट है। हाँ सर, मुझे z2 और z1 और z2 बार और z1 बार, यू हैव टू गेट इट ऑफ z2 बार, यू हैव टू गेट इट ऑफ z2 बार। ऑब्वियसली कैसे करेंगे? दो कंडीशंस आएंगी ना, एक कंडीशन तो क्या यूज करोगे, ऑब्वियसली bz2 अगर फुट ऑफ परपेंडिकुलर है तो BZ2 satisfies the line, agreed, obviously कि BZ2 line पे lie करेगा, तो A bar Z2 plus AZ2 bar plus B equals to 0, एक ये condition लिख के रख लेता हूँ, है ना। Also AB perpendicular to line होगा, हाँ या ना। AB का complex slope क्या बच्चों? What is the complex slope of AB? Z2 minus Z1 by Z2 bar minus Z1। और प्लस लाइन का कॉम्प्लेक्स स्लोप क्या होता है? सर माइनस ए बाई ए बार, है ना। बस खत्म, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ए बार जेड टू माइनस ए बार जेड वन माइनस ए जेड टू बार प्लस ए जेड वन बार इज जीरो। तो ये सेकंड कंडीशन। कितने बच्चों को दिख रहा है कि तुम्हें जेड टू बार कटाना है बिकॉज यू आर एक्सपेक्टिंग जेड टू, तो गेट इट ऑफ जेड टू बाय बार बाय एडिंग, है ना, दिख रहा है एडिंग 1 और 2, तो 1 और 2 को एड करोगे तो इसमें ए जेड टू बार, इसमें ए जेड टू बार दोनों कैंसिल होते हुए दिख रहे हैं, तो ए बार जेड टू, ए बार जेड टू, तो 2 a bar z2 माइनस ए बार जेड वन प्लस ए जेड वन बार प्लस बी इक्वल्स टू जीरो। तो जेड टू की वैल्यू क्या रही है बच्चों? ए बार जेड वन माइनस ए जेड वन बार माइनस बी अपॉन 2a bar। समझा? दिस इज द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट ए जेड वन टू द लाइन। This is the foot of perpendicular. I hope bacha people understand this. So ab haan bolo, z2 minus z1 equal to a kar sakte hai, wo equation sir. Nahi, ek second, z2 minus z1 equals to a, ye kya hai sir? Wo equation aaya wahan par comparison se. Equation nahi aaya, ye condition aaya hai, ye condition aaya hai. Okay sir, matlab samajh rahe ho na, jaise aisa aata hai na ki x plus y equals to 3 और दूसरी इक्वेशन से आ रहा है 3x-4y=7, तो इनको कंपेयर नहीं सॉल्व करोगे। ओके सर, दीस टू आर नॉट द सेम थिंग्स, कंडीशन आई है ऐसा टाइप, ऐसे x1 y1 इज दिस, x1 y1 इज दिस, कंपेयर जब करते हैं बट बोथ द थिंग्स करेस्पोंड टू द सेम थिंग, जब दोनों चीजों का सेम ही मीनिंग है कि ये इक्वेशन भी सेम कर रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इक्वेशन भी सेम कर रिप्रेजेंट कर रहा है, तो दोनों को कंपेयर कर लो, ठीक है सर? हाँ सर, उधर μ1 + μ2 0 लगाया ना? हाँ, μ1 plus μ2 स्लोप z1 minus z2 अपन z1 बार माइनस z2 बार है, तो वो गलत नहीं होगा। AB का स्लोप ये है ना, अरे लाइन जॉइनिंग टू पॉइंट्स है ना AB, तो लाइन जॉइनिंग टू पॉइंट्स का स्लोप क्या होता है? z2 minus z1 अपॉन उसका कॉन्जुगेट, एंड ये वाली लाइन का स्लोप क्या होता है? माइनस a बाय a बार, तो दोनों को ऐड करके 0 मान दिया, खत्म। मैंने मतलब AB का इक्वेशन निकाल के वो दोनों को, ऐसा ही है, सेम सेम सेम, इट इज एग्जैक्टली सेम, कोई डिफरेंस नहीं, सेम बात है, वही बात हो गई। अब मुझे बताओ इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मानस ऑफ कोर्स आई हैव गिवन क्वेश्चन टू बिफोर, बट आई वांट यू टू रीसॉल्व इट, आई वांट यू टू रीसॉल्व इट फॉर मी, नॉट बाय कोनीज रूल, वी हैव डन दिस इन कोनीज रूल, बट आई वांट यू टू रीसॉल्व इट फॉर मी विदाउट यूजिंग कोनीज रूल, कोनीज रूल के बिना, है ना।
तो मैं वही क्वेश्चन को आपको अलग अलग तरीके से सुचवा रहा हूँ. यू कैन थिंक अबाउट इट इन दिस डायरेक्शन ऑल्सो. हाँ आशुतोष सही है. कितने बच्चों को समझ रहा है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? बहुत बढ़िया, समझ आया सबको. अरे परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब क्या हुआ? ए और बी के बीच का डिस्टेंस. तो जेड टू माइनस जेड वन का मॉड, और अभी धिनचाक जेड टू निकाल के रखा है तो चिपका दो. तो जेड टू माइनस जेड वन का मॉड मतलब ए बार जेड वन माइनस ए जेड वन माइनस जेड टू का मॉड लिख देता हूँ. कौन माइनस साइन एडजस्ट करता फिर? हाँ तो जेड वन माइनस जेड टू बोले तो दिस थिंग अपॉन टू ए बार, है ना. तो ये क्या बन जाएगा? 2a बार z1 माइनस, ये बन रहा है बच्चों ध्यान से देखना, a बार z1 प्लस a z1 बार प्लस b अपॉन 2a बार का मॉड. a बार का मॉड इज a का मॉड. ये दिख रहा है बच्चों को परपेंडिकुलर डिस्टेंस? परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिख रहा है बच्चों को? ऐसा मैं फिर भी एक बार आपको बोल देता हूं कि ये वाला याद रख सकते हो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस. और ये ज्यादा मेहनत का काम नहीं है, ये याद हो भी गया. देखो इट ऑलमोस्ट रिजेंबल्स अपना रियल वाला फॉर्मूला, याद आ रहा है रियल वाला फॉर्मूला? उसमें क्या होता था? ए एक्स वन बी वाई वन अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. तो ए एक्स वन बी वाई वन प्लस सी मतलब क्या होता था? एक तरीके से लाइन पे पॉइंट रखो, लाइन पे पॉइंट रखो और डिवाइड बाय रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर दो. ये भी तो वही है, ए बार जेड प्लस ए जेड बार प्लस बी. लाइन पे पॉइंट रखा और नीचे टू मॉड ए से डिवाइड कर दिया. इज दिस ओके? ये वाला फिर भी यू कैन यूज इफ यू वॉन्ट टू. बिल्कुल, अगर ऐसा आपको लग रहा है याद रख सकते हो और यूज कर सकते हो. अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इसका एप्लीकेशन आ रहा है तो बिल्कुल यूज करो ये वाला. यू कैन रिमेम्बर परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्योंकि ये याद भी अच्छे से हो जाता है और ये कहीं पे एक दो बार मैंने काम आते हुए भी देखा है. तो आई हैव एवरीबॉडी अंडरस्टूड दिस ऑल्सो. ये हो गया आपका क्वेश्चन वन. क्वेश्चन टू ट्राई करो. क्वेश्चन टू, क्वेश्चन टू इज टू बी डन विदाउट कोनीज रूल. सो टेंजेंट के इक्वेशन से करना है. हम्म, एग्जैक्टली. कैन यू शो द क्वेश्चन वन? क्वेश्चन वन, क्वेश्चन टू सर एक बार दिखा सकते हैं? हाँ ये रहा. टेंजेंट्स एट ए जेड वन एंड बी जेड टू ऑन सर्कल मॉड जेड इक्वल्स टू आर इंटरसेक्टेड पॉइंट सी जेड थ्री. तो प्रूव दैट जेड थ्री इज गिवन बाय दिस. एक बार आप फर्स्ट स्लाइड भी दिखा देंगे जिसमें आपने क्वेश्चन किया था? सॉल्यूशन ना, ये ना कल का क्वेश्चन से, कल का क्वेश्चन. अच्छा ये, हाँ हाँ श्योर श्योर श्योर. ऑफ कोर्स तुम्हें समझ आ ही रहा होगा कि यू कैन, अभी अभी करके रखा है तो यू कैन यूज इट इफ यू वांट टू. क्वेश्चन टू के लिए सर नोट. चलो क्वेश्चन टू जल्दी ट्राई करो, फिर अपन थ्योरी आगे बढ़ाते हैं. वी कैन से दैट ट्रायंगल सेंटर एंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. अरे नहीं हर्षल, तू बहुत ज्यादा सोच रहा है. लिटरली मैंने क्या मांगा है, ऐसे सोचना. टेंजेंट्स एट ए एंड बी मीट एट सी. तो टेंजेंट्स का इंटरसेक्शन पॉइंट मांग रहा हूँ और कुछ नहीं. टेंजेंट्स का इंटरसेक्शन पॉइंट मांग रहा हूँ मैं और कुछ नहीं. हो सकता है व्हाट यू आर सेइंग उससे भी आ ही जाए, मतलब एंगल. पता नहीं, मतलब हो सकता है आ जाए, हो सकता है मे बी. बट वो थोड़ा रोटेशन जैसी हो जाएगा, पता नहीं. सर इससे थोड़ा अजीब आ रहा है. नहीं, क्योंकि तुम्हारा z1 बार z2 बार भी आ रहा होगा, है ना?
बट अगर तुम क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे तो जेड वन बार जेड टू बार है ही नहीं उसमें प्रूफ में, तो यू नीड टू गेट इट ऑफ जेड वन बार जेड टू बार ऑल्सो. कैन यू गेट इट ऑफ जेड वन बार? हाँ ऑब्वियसली ऑब्वियसली बिल्कुल यूज कर सकते हो. सोचो हाँ हाँ आराम से आराम. हाँ सही है ठीक है ब्रायन चलेगा. Almost around. Okay. So actually, some spammer has entered with my ID. Can you remove him, please? Sir, uska mic connected. क्या क्या what do you want? Sir, some spammer has entered with my ID. My ID. Sir, he left. No problem. Okay. चलो सो ए जेड वन बी जेड टू आर टू पॉइंट्स एंड टेंजेंट्स एट दिस मीट एट सी. कितने बच्चों चलेगा? अब भी जब कर ही है टेंजेंट एट ए जेड वन सेम टू सेम डेटा है कि नहीं बताओ. टेंजेंट एट ए जेड वन, टेंजेंट एट ए जेड वन इज गिवन बाय दिस. कैन आई से टेंजेंट एट ए इज जेड वन जेड बार प्लस जेड वन बार जेड इक्वल टू टू आर स्क्वायर है ना. I can get rid of Z1 bar. मैं mod Z1 और mod Z2 R मुझे पता है तो Z1 Z1 bar और Z2 Z2 bar ये दोनों R square हैं. तो मैं कितने बच्चों को समझ आ रहा है कि मैं Z1 bar कटा सकता हूँ. What is Z1 bar? R square by Z1. ये चलेगा है ना. This is R square by Z1. और ध्यान से देखो मुझे एक्चुअली मैं इसको थोड़ा सा जानबूझ कैसे लिख रहा हूँ. डिवाइड बाय जेड वन. इफ यू डिवाइड बाय फर्दर जेड वन दिस इज द टेंजेंट एट ए. इसी के देखा देखी सिमिलरली टेंजेंट एट बी क्या बन जाएगा. टेंजेंट एट बी जेड बार प्लस आर स्क्वायर बाय जेड टू का स्क्वायर जेड इक्वल टू टू आर स्क्वायर बाय जेड टू. आई होप यू अंडरस्टैंड दैट. Z1 पे जैसे निकाला है वैसे Z2 पे आ जाएगा. सिंपल है ना. तो अब इन दोनों में से क्या करना है? सॉल्व करना है. और सॉल्व करने के लिए क्या सॉल्व करने का मतलब एलिमिनेट Z बार. डू यू सी व्हाई आई डिड दिस? नाउ एलिमिनेटिंग Z बार इज लाइक दुनिया का सबसे आसान काम. व्हाट डू यू हैव टू डू? सबट्रैक्ट. सिंपल सबट्रैक्ट. तो सबट्रैक्ट करोगे तो Z बार तो कट गया. Z Z R स्क्वायर ये बन रहा है देख लो एक बार. 1 / Z1 स्क्वायर 1 / Z2 स्क्वायर इज 2R square 1 by Z1 minus 1 by Z2. So R square cancel. Z times क्या बन रहा है? Z2 square minus Z1 square. Okay. तो ये भी cancel हो जाएगा.
आई थिंक यू कैन सी 2z1 z2 upon z1 plus z2. तो वही क्वेश्चन अपन ने एक और मेथड से सीख लिया, कोनीज रूल से तो कर ही चुके हैं ऐसा, बट नाउ आई मेड यू डू दिस स्ट्रिक्टली बाय यूजिंग इक्वेशन ऑफ अ लाइन. ठीक है, आई होप सपोज दो इक्वेशन ऑब्टेन करके डिवाइड भी कर सकते हैं ना. डिवाइड करने से क्या होगा, एक सेकंड रुक जा, मतलब ये वाला इक्वेशन ये फॉर्म में नहीं, मतलब जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में निकाला था, फर्स्ट क्वेश्चन में निकाला था, हाँ ये बोलो. हाँ सर, तो इसमें इस ऐसे फॉर्म में दोनों इक्वेशन लाके मतलब z1 बार अपॉन z2 बार ऑब्टेन करके फिर मतलब वो डिवाइड हो जाएगा ना. सुबह कुछ भी बकवास कर रहा है, z1 बार अपॉन z2 बार ऑब्टेन होके डिवाइड हो जाएगा मतलब नहीं सर, मतलब वी हैव टू सॉल्व फॉर इट. तो सॉल्व करना मतलब, है इसका मतलब z बार एलिमिनेट करना है. तो मैंने किया सर, z3 है कट जाता है LHSR से लास्ट में, पता नहीं सर, मतलब r के फॉर्म में नहीं लाके मैं वैसे बोल रहा हूं. r के फॉर्म में नहीं लाके मतलब तो किस फॉर्म में लाके, अच्छा ये तो बता दे सर, ये मॉड के पहले वाला जो इक्वेशन आपने लिखा है इसके पहले वाला, इसके भी पहले वाला, ओके ये वाला ठीक है. देन तो इसमें सर z1 बार एक साइड पे कॉमन लेके उससे कॉमन टर्म्स लिख के सेम दूसरे, देखो मोटिव नहीं समझ रहा, अगर तू डिवाइड करेगा तो हाउ डज दैट एलिमिनेट z बार ये बता बस, क्योंकि इंटरसेक्ट. हाँ बोलो सर, z बार कैंसिल हो जाता है दोनों इक्वेशन से डिवाइड करने पे. सर मैं सॉल्यूशन भेजता हूँ आपको, मुझे तो नहीं दिख रहा है ऐसे डिवाइड करने पे, या पता नहीं यार क्या बोल रहा है, डिवाइड करने पे अगर डिवाइड करेगा इन दोनों को तो होल डिवाइडेड बाय समथिंग कुछ आएगा, तो इंडिविजुअल जेड बार कैसे, या तो हाँ भेज ही दे यार, तू कुछ और कर रहा है और मुझे कुछ और बोल रहा है ऐसा लग रहा है मुझे. सर आप नीचे स्क्रॉल कर सकते हैं. हाँ बट अगर जेड बार कैंसिल हो रहा है तो दैट मीन्स तू ऐसा कुछ कर रहा है कि एलिमिनेट हो रहा है जेड बार, तो वो घूम फिर के यही बात हो गई, इट द सेम थिंग, वो तुम सॉल्व ही कर रहे हो. इफ यू आर एबल टू एलिमिनेट जेड बार दैट मीन्स यू आर डूइंग द सेम थिंग बट सम इन सम अदर मैनर मे बी. सर कोई बार बार मेरे आईडी से अंदर बाहर कर रहे हैं सर, आप उसको देख सर प्लीज डोंट मिसअंडरस्टैंड, अगर वो कुछ करता है तो ठीक है रिमूव कर दे, अगर कुछ करता है तो विल रिमूव, और क्या नहीं, मेरे को गलती से मत रिमूव कर देना. ओके सर. हाँ सर, वो LHS में Z3 क्यों नहीं आया, मतलब Z3 where is LHS सर, नीचे लास्ट और सेकंड लास्ट. अरे वो इंटरसेक्शन पॉइंट को उसने Z3 बोला है, तो ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट आया दिस इज द इंटरसेक्शन पॉइंट, वो Z3 तो हुआ, उसने बस ये बोला था कि प्रूव दैट द इंटरसेक्शन पॉइंट, मैंने उधर बोल दिया बस क्वेश्चन में कि Z3 इज द इंटरसेक्शन पॉइंट, देन Z3 इज गिवन बाय दिस, तो क्वेश्चन वाज कि ये इंटरसेक्शन पॉइंट प्रूव करो. Okay. तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट ही तो आया अपना, दिस इज द इंटरसेक्शन पॉइंट, आई जस्ट प्रूव्ड इट, उसको Z3 बोल दो. इनफैक्ट मुझे क्वेश्चन में Z3 लिखने की जरूरत ही नहीं थी, आई कुड हैव रीफ्रेज द क्वेश्चन, इफ टेंजेंट्स एट AZ1 एंड BZ2 सॉरी इफ लिख दिया था मैंने, अब चलो ठीक है लिख दिया तो लिख दिया. Prove that tangents at these two points meet at 2z1 z2 upon z1 plus z2. That could have been a better language. चलो ठीक है आगे बढ़े. Yes sir. लिख लो अगर कुछ लिखना है तो अपना straight line जो था जो सबसे difficult चीज थी वो खत्म हो गया है, अपन को इससे ज्यादा और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है. बट हाँ एक दो क्वेश्चन और बना के देता रहूंगा मैं, एक दो सर्कल के साथ थोड़े ठीक ठीक क्वेश्चन बन जाते हैं इसके. चलो तो नेक्स्ट पार्ट इज सर्कल, और एज एन एलिमेंट ऑफ सरप्राइज मेरे पास सर्कल में कुछ पढ़ाने के लिए है नहीं, मतलब है ऑफ कोर्स पढ़ाने के लिए, बट जो स्टैंडर्ड बेसिक वाला सर्कल है इतना इजी है कि आपको ऑलरेडी आता है.
देखते जाओ, चलो सब कुछ ऑलरेडी आता है, इतना इजी है ये सर्कल। तो एक्चुअली में पढ़ाने के लिए इसलिए कुछ नहीं है क्योंकि आधी चीजें मैं पढ़ा चुका हूं और आधी जो चीजें हैं वो तो नॉट एग्जैक्टली सर्कल, बस बेसिक आइडिया है, मतलब ऑलमोस्ट आता है आपको ये सर्कल। देखो कैसे, कितने बच्चों को याद आ रहा है सर्कल, इफ सर्कल हैज अ सेंटर जेड नॉट एंड रेडियस आर, कितने बच्चों को याद आ रहा है इसकी इक्वेशन कैसी होती थी बच्चों, जेड नॉट जेड माइनस जेड नॉट का मॉडुलस इज आर, है ना, ये होता था इक्वेशन सर्कल विद सेंटर जेड नॉट एंड रेडियस आर। बट इसको अपन क्या करते हैं, जस्ट गेट यूज टू दिस, यार मॉडुलस में हम आजकल प्रेफर नहीं करते इक्वेशन, मॉड जेड के टर्म्स में इक्वेशन प्रेफर नहीं करते, वी प्रेफर इक्वेशन अगर लिख रहे हो तो वी प्रेफर एक्चुअली इट इन जेड एंड जेड बार फॉर्म, जेड एंड जेड बार के फॉर्मेट में एक्सपेक्ट करते हैं हम लोग आंसर, मतलब आंसर मतलब इक्वेशन। तो क्या करोगे बच्चों, अगर जेड ऑफ जेड बार को हाँ स्क्वायर करोगे तो आई होप यू अंडरस्टैंड की चलो ठीक है ये लिखोगे, जिसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो जेड जेड बार माइनस जेड नॉट बार जेड माइनस जेड नॉट जेड बार प्लस मॉड जेड नॉट स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। कितने बच्चों समझ आ रहा है, दिस इज एग्जैक्टली सेम एज डूइंग दिस, अरे यार x माइनस एक्स वन का स्क्वायर प्लस y माइनस वाई वन का स्क्वायर इज आर स्क्वायर, वही बात कर रहा हूँ कि नहीं बताऊ मैं, और दिस वॉज दिस, ये वाला स्टेप ये था, फिर उसको अपन ने ओपन करके लिख दिया, तो ओपन करके लिखा तो याद आ रहा है ऐसे ही उसमें बनता था 2y1y plus x1 square plus y1 square minus r square is 0. ये step, ये हो गए एक तरीके से, वही चीज कर रहा हूं मैं, same to same बातें मैं कर रहा हूं। अब मुझे बताओ, अपन ने जैसे रियल में करा था, कि यार ये इक्वेशन ऑफ अ सर्कल है, तो इसकी देखा देखी अपन ने क्या किया, एनी सर्कल विल इवेंचुअली हैव x square plus y square term, yes. It can have x term, y term, yes, and it can eventually have constant term. याद आ रहा है? तो अपन बोलते थे कि any circle eventually will look like x square, y square, 2gx, 2fyc. याद आ रहा है? तो अपन same to same बातें यहाँ पे कर सकते हैं कॉम्प्लेक्स फॉर्म में। जैसे मैंने जनरल फॉर्म ऑफ अ लाइन लिखाया, वैसे ही जनरल फॉर्म ऑफ सर्कल बता रहा हूँ मैं। I'm telling you general form of a line and general form of a circle. तो general form of a circle देखो, out of pure resemblance can be taken as या कोई से भी सर्कल में z और z बार तो होगा ही होगा, ये तो आएगा ही आएगा। उसके बाद सेंटर के बेसिस पर कितने बच्चों समझ आ रहा है, ये दोनों टर्म्स को ध्यान से देखो, एक z का टर्म है, एक z बार का टर्म है, और ये दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट हैं, ये दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट हैं। तो अगर a बार z लिखता हूं तो a z बार एक ऐसे दो टर्म आ सकते हैं, और मॉड z नॉट स्क्वायर माइनस r स्क्वायर एक कॉन्स्टेंट टर्म आ सकता है। तो कितने बच्चों समझ रहा है, इवेंचुअली एनी सर्कल कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म, eventually any circle can be written in this form, this is the general equation of a circle, this is exactly same as x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c, wahi baat ko maine complex form mein likha hai. yahan pe kitne bachcho samajh rahe hai ki a complex number hai but b kya hai, samjhao ki dikh raha hai, isko aapne b bola hai to b must be real hai na, to you must be able to detect the equation now ki bhaiya zz bar plus a bar z plus az bar plus b zero hai, ए कॉम्प्लेक्स बी रियल दिया हुआ है, तो दिस इज अ सर्कल, ये सर्कल, तो तुम्हें इक्वेशन पहचानने में आनी चाहिए। अब अभी तक दो एक ऐसी इक्वेशन देखी है जो एकदम यूजुअल नहीं है, तो ये होता है लाइन, बट अगर ऐसा टाइप का बन गया तो दिस इज सर्कल प्रोवाइडेड ए कॉम्प्लेक्स बी रियल, ठीक है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। अब याद करो, जैसे अपन ने लिखा था एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर टू जी एक्स टू एफ वाई सी, उसी के साथ साथ अपन ने क्या लिखा था कि अगर हमें ये सर्कल है तो इसका क्या क्या निकालना आना चाहिए बच्चों, सेंटर एंड रेडियस, तो सेंटर और रेडियस कैसे निकालोगे, याद आ रहा है, ऊपर वाला जो सर्कल है उसका सेंटर पता है क्या, हाँ जेड नॉट, तो कंपेयर करके क्या मिल रहा है बच्चों, ध्यान से देखो, कंपेयर करोगे तो हाँ इक्वेट ही कर दो ना, तो ए बार इज माइनस जेड नॉट बार, सेकेंड टर्म कंपेयर करोगे तो a इक्वल्स टू माइनस जेड नॉट एंड b इक्वल्स टू मॉड ऑफ जेड नॉट स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये समझ आ रहा है, तो देखो ये फॉर्मूला आपको काइंड ऑफ याद ही है, सेंटर वॉज जेड नॉट, तो इस केस में सेंटर क्या हो जाएगा, जेड नॉट बोले तो माइनस a, डू सी, हाँ वो माइनस जी माइनस एफ वाली बात ही चल रही है एक तरीके से, माइनस जी माइनस एफ वाली बात ही चल रही है, ओके रेडियस, जल्दी बताओ
रेडियस इज रूट ओवर मॉड जेड नॉट स्क्वायर माइनस बी, है ना, और मॉड जेड नॉट को क्या लिख सकते हो, मॉड जेड नॉट को क्या लिख सकते हो, जेड नॉट इंटू जेड नॉट बार मॉड स्क्वायर, नहीं 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 ए, क्योंकि ओरिजिनल इक्वेशन में तो ए गिवन है ना, तो जेड नॉट वॉज माइनस ए, तो रेडियस इज मॉड ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी, तो ये वही कंडीशन आ रही है, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी का मॉड, सेम टू सेम रिजेम्बलिंग है, तो द मिनट यू एनकाउंटर दिस तुम्हें सेंटर और रेडियस लिखना आना चाहिए बच्चों, आई होप एवरीबॉडी इज क्लियर विद दैट। और ये भी देखो रियल सर्कल होने की कंडीशन क्या होगी, है ना, फॉर अ सर्कल टू बी रियल मॉड ए स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू बी, चलो बट वो ऐसे समझते ही है सबको, दिस इज सर्कल। अब मैं आपको पता है क्या बताना चाह रहा हूं, मैं बताना चाह रहा हूं कि इसमें मेरे पास कुछ ऐड करने के लिए है ही नहीं, क्योंकि आपको सब कुछ आता है, कोई सा भी एक कॉन्सेप्ट पकड़ते हैं जिसमें कैलकुलेशन ना, ऑफ कोर्स कैलकुलेशन करने में मौत हो जाएगी, एक कोई सा भी कॉन्सेप्ट पकड़ो, जैसे एक एग्जांपल बताता हूँ, वैसे ये सब करना पड़ेगा नहीं इसलिए मैं इसमें घुस भी नहीं रहा, बट मैं बता रहा हूँ कभी मान लो कोई दुष्ट अगर ऐसा बैठा हुआ है जिसने पूछ भी लिया कभी, तो भी अपन कर सकते हैं। अब जैसे मान लो जो अपन रियल वाले सर्कल में पढ़ते थे, ऑल ऑफ दैट इज ऑफकोर्स अप्लीकेबल, ए बार जेड प्लस ए जेड बार प्लस बी इक्वल टू जीरो, मान लो ये दो सर्कल से C बार Z प्लस सी जेड बार प्लस डी इक्वल टू जीरो, ये दो सर्कल्स हैं, तो मुझे एक काम करो, देखना तुम ही खुद बताओगे और तुम खुद डिराइव कर पाओगे, आई डोंट हैव टू टीच यू एनीथिंग इन दिस थिंग, ये दोनों सर्कल हैं, फाइंड कॉम्प्लेक्स कंडीशन, कॉम्प्लेक्स कंडीशन मतलब कंडीशन बट इन कॉम्प्लेक्स फॉर्म ओनली, कॉम्प्लेक्स कंडीशन फॉर ऑर्थोगोनैलिटी ऑफ दीज टू सर्कल्स, चलो बताओ क्या करोगे, अगर ये दोनों सर्कल ऑर्थोगोनल हैं, इफ दीज टू सर्कल्स आर ऑर्थोगोनल देन क्या होगा, कुछ होना चाहिए ना कंडीशन, तो कैन बी फाइंड, बोलो 2 ए बार प्लस सी सी बार इज बी प्लस डी, बिल्कुल भी नहीं, ये तो गलती है बे, ये ऐसा मत कर यार, ये 2 जी1 जी2 प्लस f1 f मतलब दोनों के टेंजेंट की इक्वेशन निकालने होगी और फिर सेंटर सेंटर को टेंजेंट निकाल के प्रोपर्टी, नहीं 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 बहुत धूम मचा रहे हो, एक सेकंड रुको, एक सेकंड रुको, पहली बात तो हाउ डू वी नो g1 g2 आर एग्जैक्टली कैसे रिलेटेड है ए और सी से, नहीं ये गलत है पहली बात, तो इसको रिजेंबल स्क्वायर इक्वल्स r1 स्क्वायर प्लस r2, हां तुम डायरेक्टली डिराइव करो ना, तुम रियल को इसमें क्यों कन्वर्ट कर रहे हो, मैंने ये कब बताया कि G और F कैसे रिलेटेड है A से, तुम गड़बड़ कर दोगे, तुम तो डायरेक्टली डिराइव करो, तो मुझे एक बात बताओ ऑर्थोगोनल होने के लिए क्या जरूरी था, टेंजेंट्स परपेंडिकुलर, तो टेंजेंट्स निकाल के कंडीशन लगा सकते हैं, चबे भूल गया सब कुछ, कोई और बताएगा, अभी एक बच्चे ने वैसे बोल दिया था वो साइन रूल लगाते हैं सर, अरे बाबा बाबा फॉर ऑर्थोगोनल याद आ रहा है, R1 square plus R2 square is C1 C2 का square, distance between centers का square, याद आ रहा है? ये होता था orthogonal का condition. बस यही answer है, देख लो. अब कुछ निकालना नहीं है. मुझे बताओ R1 क्या है? पहले वाले circle का radius पता है क्या? हाँ पता है. अभी अभी सिखाया है यार. यही है ना? पहले वाले circle का center पता है क्या? पता है. अभी अभी सिखाया है. दूसरे वाले circle का radius पता है क्या? Obviously, अगर first का पता है तो दूसरे का भी पता है. और इसका सेंटर पता है क्या? हाँ तो मुझे एक बात बताओ, ये सब पता है तो यहाँ पे चिपका दो, R1 स्क्वायर बोले तो, R2 स्क्वायर बोले तो, एंड C1 C2 मतलब डिस्टेंस बिटवीन C1 एंड C2, डिस्टेंस बिटवीन C1 एंड C2 कैसे निकालोगे? हाउ डू यू फाइंड Z1 माइनस Z2 का मॉड ना, डिस्टेंस बिटवीन C1 एंड C2 मतलब दिस माइनस दिस का मॉडुलस, ये चलेगा, लो हो गया बस खत्म, मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड सी स्क्वायर माइनस बी माइनस डी, ए माइनस सी के मॉड का स्क्वायर, जेड जेड बार करके ओपन कर लो, वैसे अपन कई बार कर चुके हैं बचपन से करते आ रहे हैं, ये बनता है, तो ये कैंसिल हो रहा है, तो तुम्हारा क्या बच रहा है बच्चों, ए बार सी प्लस ए सी बार इज बी प्लस डी, समझा, आर बी गोइंग टू मेमोराइज दिस और रिमेंबर दिस, बोलो क्या ये याद रखने वाली कंडीशन है, कि मैं जैसे आपको दिखा रहा हूँ कि अगर आपको कभी करना पड़ा तो अपन डिराइव कर सकते हैं, बट ये द चांसेस ऑफ अकरिंग इज लाइक इतना परसेंट चांस है कि कोई इस पे क्वेश्चन पूछ ले आपसे, नहीं पूछते हैं, नोबडी केयर्स रियली, नोबडी रियली रियली केयर्स, हाँ सर वो ए माइनस सी कैसे लिखा,
सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस कैसे निकालूंगा दोस्त, अगर मुझे सेंटर्स पता है तो? इफ आई नो सेंटर्स के कोऑर्डिनेट्स, कैसे उनके बीच का डिस्टेंस निकालूंगा? कैन यू गेस? हाँ सर, सबट्रैक्ट कर, जेड वन माइनस जेड टू कम आउट, ये होता है ना डिस्टेंस बिटवीन जेड वन एंड जेड टू, दिस माइनस दिस कम आउट, लेस तो ए माइनस सी कम आउट, है ना? तो ये ऐसे एग्जाम्पल बता रहा हूँ बच्चों में कि आपको कुछ, मेरे को, मेरे पास कुछ भी नहीं कराने के लिए, मैं आपको बस डायरेक्टली क्वेश्चन दे सकता हूँ, आई हैव नथिंग टू एड हियर, यू कैन डिराइव एनीथिंग, एनीथिंग यू वॉन्ट. अच्छा इनफैक्ट एक और गेस, चलो लेट्स सी इफ यू कैन एक्चुअली अंडरस्टैंड दिस. कैन यू फाइंड, ये भी कभी काम नहीं आएगा, बस मैं आपको बता रहा हूँ, देख लो कि आपको आता है, मेरे पास कुछ नहीं है बताने के लिए, यू ऑलरेडी नो, तो वापस क्या बताऊं मैं आपको? इसका रेडिकल एक्सिस बताना दोनों सर्कल्स का, रेडिकल एक्सिस बताना इन दोनों सर्कल्स का. सर सबट्रैक्ट करके जेड जेड बार लिमिट करेंगे, सबट्रैक्ट करके फिर परपेंडिकुलर करके लाएंगे. एक सेकंड, बस ये रहा आंसर. सबट्रैक्ट करके क्या करेंगे, मतलब व्हाट डू यू मीन सबट्रैक्ट करके और कुछ करेंगे? मिड पॉइंट निकाल के फिर परपेंडिकुलर कर देंगे. चलो भाई ये आ गया आंसर, रेडिकल एक्सिस. उसमें कैसे निकालते थे, उसमें कैसे निकालते थे? हाँ, तो हाउ इज दिस डिफरेंट, मुझे एक बार जरा सोच के बताना. वहां पे बस एस होता था रियल फॉर्म में, एस डैश होता था रियल फॉर्म में, और एस माइनस एस डैश इक्वल्स टू जीरो तुम्हारा लाइन आता था. अब मैं इस रियल को अपनी खुशी से इसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिख दू, इसको यहीं कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिख दू, तो इन दोनों का सब्ट्रैक्शन भी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में रहेगा. तो क्या हुआ, कॉन्सेप्ट तो वही है. डू यू अंडरस्टैंड? हाय ना, वॉट डिफरेंस डज इट मेक इफ आई राइट इट इज इन रियल फॉर्म और कॉम्प्लेक्स फॉर्म? कॉन्सेप्ट तो वही है ना कि एस इक्वल्स टू एस डैश या फिर एस माइनस एस डैश इक्वल्स टू जीरो गिव्स यू रेडिकल एक्सिस. बस सब्ट्रैक्ट कर दो और क्या, सब्ट्रैक्ट कर दो. कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होने से कॉन्सेप्ट क्यों चेंज हो रहा है, मुझे एक बात बता दो बस. कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होने से कॉन्सेप्ट क्यों चेंज होगा, कोई रीजन है? देखो दिख गया, प्रॉपर लाइन आ रहा है, ए जेड बार प्लस ए बार जेड प्लस बी इक्वल्स टू जीरो टाइप दिख रहे हैं, सब्ट्रैक्ट बिल्कुल वैलिड है. ठीक है, नहीं कि पोपट हो रहा है. आई थिंक दिस इज फेयरली इजी, फेयरली इजी. तो इस पे एकदम बेसिक वाले सम्स अपन बचपन में कर चुके हैं, याद है ज्योमेट्री में, कि इफ z माइनस थ्री आयोटा इज लेस देन इक्वल टू टू, फाइंड इसका आर्ग्यूमेंट, उसका मॉड एंड फलाना ढिमका टाइप का. तो अपन थोड़ा सा इस पे नॉन स्टैंडर्ड क्वेश्चन करते हैं, लेट अस डू सम नॉन स्टैंडर्ड क्वेश्चन. इसको काम करो, और वो ऐसे क्वेश्चन है जो स्ट्रेट लाइन और सर्कल के मिक्सड क्वेश्चन है. मुझे दो तीन क्वेश्चन इस पे कराने हैं और उसके बाद मुझे स्टैंडर्ड कुछ पढ़ाना है, इसको भी छाप लो बच्चों. इसमें से पता है याद रखने वाली कौन सी बातें, ये रहा, दिस इज द थिंग विच इज टू बी मेमोराइज. इसके अलावा और कुछ लिखने की बात ही नहीं है इसमें से, और कुछ लिखने वाली बात नहीं है और कुछ याद रखने वाली बात नहीं. लिखो सब कुछ, वी नो एवरीथिंग. तो अपन थोड़ा एप्लीकेशन पे ही आ जाते हैं. थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कर देता हूँ, देखो
चलो बेसिक क्वेश्चन तो अपन इसके कर चुके हैं, चलो ठीक है, मेरे मन में क्वेश्चन तो आ रहा है, बट ये बच्चों स्ट्रेट लाइन के साथ कंबाइंड है, मतलब इस एक क्वेश्चन तो ये आ रहा है, चलो इफ टेंजेंट्स PA एंड PB आर ड्रॉन फ्रॉम PZ1 लाइन ऑन मोड Z इक्वल्स टू 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 सर्कल मोड Z इक्वल्स टू वन touching it at A Z2 and B Z3, then identify the correct options A एक ये ट्राई करो, ये थोड़ा ज्योमेट्री टाइप का ज्यादा क्वेश्चन है, मतलब सोचो इंटरप्रेट करो, कॉम्प्लेक्स नंबर का कुछ ज्यादा एप्लीकेशन है नहीं इसमें, जस्ट यू शुड नो कि क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन सी चीजें। फिर एक ये दे देता हूं, इफ ए जेड वन एंड बी जेड टू, ए जेड वन बी जेड टू एंड सी जेड थ्री लाई ऑन मॉड जेड इक्वल्स टू आर, therefore prove that altitude from A meets the circle at minus z2 z3 by z1, and question 3 exercise 3 wala de deta hu exam, try karo bachcho, question 1 is multiple correct, yes मिनिमम कराने ही है, थोड़े से बुकलेट के भी कराने, सर ऑप्शन बी में वो दोनों ब्रैकेट सेम है ना? नहीं यहाँ पे बार बार है, देखो यहाँ पे खाली Z1 Z2 Z3 कॉन्जुगेट से, हाँ सॉरी सर, हाँ कॉम्प्लेक्स यार, टू एंड अ हाफ लेक्चर्स लाइक कुछ थोड़ा टू एंड अ हाफ लेक्चर टाइप, एक्सरसाइज 344। तो ये स्ट्रेट लाइन एंड सर्कल के मिक्स्ड हैं, जो एक्सक्लूसिव सर्कल की बात है वो अब मैं इसके बाद बताऊंगा थोड़ा सा, बट पहले एकदम बेसिक वाले सम्स, इस पे बेसिक नहीं मतलब पहले इस पे सम्स कर लेते हैं, बेसिक सम्स नहीं है, ठीक ठीक सम्स है, बट वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड की हाउ टू सॉल्व एवरीथिंग इन कॉम्प्लेक्स फॉर्म ओनली, कैन वी गेट यूज टू दैट, वी विल ओनली गेट यूज टू दैट आफ्टर एक्चुअली सॉल्विंग, थोड़ा सा प्रैक्टिस के बाद सॉल्व करो इसको बच्चों, ये तीन क्वेश्चन हैं, if tangents PA PB are drawn from PZ1 lying on mod Z equals to 2। अंश में आज थोड़ा होमवर्क अपडेट कर देता हूं, बट आई डोंट थिंक यू कैन सॉल्व द एंटायर बुकलेट येट, मुझे जो छोटी छोटी बातें हैं ना वो अभी कंप्लीट करनी है, मतलब ऐसे दो दो तीन तीन मिनट के कॉन्सेप्ट हैं, कुछ छोटी छोटी बातें, उसके बाद अभी रुक जाओ, अभी पूरा बुकलेट मत करो, मैं होमवर्क दे दूंगा, एटलीस्ट एक और लेक्चर वेट करना ही पड़ेगा जिसके बाद आप ऑलमोस्ट कंप्लीट कर बुकलेट।
फर्स्ट वाला सोचो, फोटो खींच के डाल दो कोई ग्रुप पे। सर क्वेश्चन टू में अल्टीट्यूड फ्रॉम ए टू व्हाट सर? प्रूव दैट। अबे अल्टीट्यूड बोल दिया तो किसको अल्टीट्यूड होगा? अल्टीट्यूड ऑफ द ट्रायंगल ना। हां तो बीसी को ही होगा ना ऑब्वियसली। हाँ वो परपेंडिकुलर अगर बोला होता तो मस्ट हैव बीन कंफ्यूजिंग, बट अल्टीट्यूड बोल दिया मतलब वो ए से अपोजिट साइड को। यार हरी एक और है, मल्टीपल करेक्ट में एक और है। तो ये तो डायग्राम बनाओ अच्छे से क्या बोलना चाह रहा है, उसके बाद सोचो ए ऑप्शन क्या। अरे सॉरी हरी, आई थिंक मैंने मिस्टेक कर दिया, ये है करेक्ट बच्चों। ए ऑप्शन मैं ऐसे देना चाहता था, आई वांटेड टू गिव ए ऑप्शन इज इक्वल्स टू 3। हरी नाउ, हाँ सही है सही है हरी, सही है। आई वांटेड टू मेक ऑप्शन ए एज दिस, प्लीज डू नेसेसरी करेक्शंस, प्लीज डू द नेसेसरी करेक्शंस। सर टेल मी सर, वो आपने जो एक असाइनमेंट भेजा था ना बेसिक सम्स के प्रैक्टिस के लिए, उसे अभी पूरा कर दे या? वो तो कभी भी कर सकते हो बैठ के, लाइक इट शुड नॉट टेक यू मोर देन 6 आवर्स टू इवन फिनिश अप द एंटायर। वो बहुत इजी सा है यार, मतलब उसमें कुछ ऐसा स्ट्रगल वाला सीन ही नहीं है कि मतलब यू विल बी स्ट्रगलिंग और समथिंग, बहुत इजी है वो, करके देखो। तो बुकलेट से पहले वो कर दे, कभी भी कर सकते हो, इट्स ऑप्शनल। मतलब अगर तुम्हारे पास थोड़ा सा भी फ्री टाइम है और तुम्हें लग रहा है कि चलो अभी ये कर सकता हूँ तो एकदम फिनिश कर, मतलब खत्म ही कर सकते हो, मैं बस ये बोलना चाह रहा हूँ। ओके PN PBR tangents drawn to the inner circle. अब सोचो क्या 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 पूछा है। A option बोल रहा है mod of Z1 plus Z2 plus Z3 is 3. मैं उसको ऐसे लिख देता हूँ। This is what option A is suggesting. This is what option A is suggesting. सोचो क्या बोलना चाह रहा है ये? Z1 plus Z2 plus Z3. Z1 plus Z2 plus Z3. उसका modulus 1 है. सोचो. I'll give you 2-3 more minutes. हाँ सही है दोस्त, 201359 सही है, मानवी करेक्ट। इनफैक्ट आप लोगों को याद आ जाना चाहिए, यही क्वेश्चन मैंने इलिप्स में कराया था, इलिप्स की बुकलेट में ये क्वेश्चन आया था कहीं पे। हाँ अमोघ सही है, करेक्ट सर। तो मतलब पीएबी का जो सेंट्रोइड होगा वो सर्कल पे लाया कर रहा है। हाँ ये अपन को जस्टिफाई करना है ना, वी नीड टू जस्टिफाई इफ ऑप्शन इज ट्रू, दैट मींस दे आर सेइंग पीएबी का सेंट्रोइड लाइज ऑन द इनर सर्कल, सी इफ यू कैन जस्टिफाई। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। सो वो तो प्रॉपर्टी ही है ना ऐसा, मतलब आई डोंट नो, मतलब वेयर डिड यू सी दिस एज अ प्रॉपर्टी? ओ नहीं सॉरी सर, हाँ वो ऐसा कोई प्रॉपर्टी तो नहीं है, नॉन प्रॉपर्टी पता नहीं, इफ यू मतलब हो सकता है ज्योमेट्री में ओलंपियाड में पढ़ाते हो ऐसा अलग से प्रॉपर्टी। हां नहीं सर, लाइक वो सर्कम सेंटर का, सॉरी द सेंटर। अच्छा ओके, नहीं नहीं वो अलग है, वो पीएबी का सर्कल पासेस थ्रू ओरिजिन आल्सो वैसे। हां सर, हां सर, Z1 Z3 और Z2 का हम लोग मिड पॉइंट निकाल के फिर Z1 से कनेक्ट करने के बाद कर सकते हैं। करो ट्राई करो, श्योर
इनफैक्ट मतलब थोड़ा ज्योमेट्री यूज कर लो यार, 201359 सही है, एग्जैक्टली यही आएगा, थोड़ा ज्योमेट्री यूज कर लो। मैं मुझे ऐसा लगता है इसका कॉम्प्लेक्स नंबर का कुछ लेना देना नहीं, कॉम्प्लेक्स नंबर खाली ऑप्शंस में दिया हुआ, बाकी इसका कुछ लेना देना नहीं है। उसने बोला पीएबी ट्राइंगल का सेंट्रोइड, तो कंस्ट्रक्शन के नाम पे आप क्या क्या करोगे, कंस्ट्रक्शन के नाम पे आप लोग क्या क्या करोगे, हाँ है ना, कंस्ट्रक्शन के नाम पे जब भी बनता है ये तो अपन बनाते ही, ये तीनों चीजें सोचो क्या करना है, हमें रेडियस वगैरह गिवन है, हाँ 201544 करेक्ट। और उसके बाद थोड़ा सा जस्टिफाई करो कि उस आने के बाद अपन को प्रूव करना है कि ट्राइंगल पीएबी का सेंट्रोइड इनर सर्कल पे लाई कर रहा है, दिस लाइन इज दी मीडियन, तो तुम्हें समझ आ रहा है ये जो पॉइंट है एम, आपको जस्टिफाई करना है कि एम इज सेंट्रोइड, वो दिख रहा है आपको एम सेंट्रोइड होना चाहिए। OAPB will be cyclic, आशुतोष वो तो होता ही है, बट अभी ट्राइंगल PAB की बात कर रहे हैं, OAPB तो cyclic होता ही है, उसमें कुछ प्रूव करने ही नहीं, अपन को प्रूव करना है कि M point is the centroid of the triangle, कैसे करेंगे बच्चों? Sir, MN perpendicular to AB आपने कैसे किया? MN perpendicular to AB क्या बात कर रहा है यार, ये तो सर्कल की ज्योमेट्री है बेसिक, अगर बाहर वाले पॉइंट से टेंजेंस ड्रॉप करता हूँ तो ये वाला लाइन सीधे परपेंडिकुलर और सेंटर से पास होता हुआ जाता है, नहीं आ रहा मॉड ले लिया तो उससे जेड टू प्लस जेड थ्री का मॉड वन आया एंड जेड टू प्लस जेड थ्री लाए ऑन द एंगल बाइसेक्टर और जेड वन पे एंगल बाइसेक्टर पे लाए करेगा, ठीक है चलेगा, तो वो भी तूने तब भी ज्योमेट्री काइंड ऑफ, हाँ ठीक है चलेगा चलेगा फिट्स चलेगा, मैं तो ज्योमेट्री से ही कर रहा हूँ, देखो कितना सिंपल सा है। मुझे एक बात बताओ ये एंगल निकाल सकते हैं क्या, एंगल ओपीबी, एंगल ओपीबी, एंगल ओपीबी कितने बच्चों को दिख रहा है 30 डिग्री, कैसे 1/2, ये साइन थीटा होता है कि नहीं बताओ, 1/2 इज साइन थीटा, तो वो 30 आ गया, वो 30 आ गया तो ये भी 30 आ गया, कितने बच्चों को समझ आ रहा है, अगर एंगल ओपी भी 30 है तो दूसरा भी 30 है, दैट इंप्लाइज एंगल एपीबी हो गया बच्चों 60 डिग्री, और जैसे ही एपीबी 60 डिग्री साफ साफ दिख रहा है ट्राइंगल पीएबी हैज टू बी इक्विलैटरल, क्योंकि ये दोनों तो बाय डिफॉल्ट इक्वल ही है, एंगल ए और एंगल बी तो बाय डिफॉल्ट इक्वल है, तो 60 60 60 हो गया एक्चुअली में, वो समझा, अगर ये 60 60 60 है ये 60 हो गया तो ये 60 हो गया, तो मुझे बताओ ON की हाइट क्या रही है, ON दिस, सॉरी ये 60 है, दिस अपॉन वन इज कॉस 60, तो कितने बच्चों को दिख रहा है ON हाफ आ रहा है, ON इज कमिंग आउट टू बी हाफ, ये हाफ है ON, ठीक है ON हाफ है तो NM भी क्या हो जाएगा हाफ, क्यों, क्योंकि OM इज 1, टोटल रेडियस ओ एम इज 1, तो ये हाफ है तो ये भी हाफ है, तो पीएम डिस्टेंस क्या बन जाएगा बताओ, पीएम डिस्टेंस, ये टोटल ओपी इज 2 एंड ओ एम इज 1, तो पीएम इज 1, तो कितने बच्चों को दिख रहा है कि एम डिवाइड्स पीएन मीडियन, पीएन इज अ मीडियन ऑब्वियसली इन रेशियो 2:1 इंटरनली, क्योंकि पीएम अपॉन एम एन इज 2:1, पीएम इज 1 एम एन इज हाफ, तो 2:1, तो M क्या हो गया बच्चों, M सेंट्रोइड हो गया, ठीक है, तो M अगर सेंट्रोइड हो गया तो M का कोऑर्डिनेट क्या बन रहा है, Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 बाय 3
n का कोऑर्डिनेट बन रहा है और ऑब्वियसली n किस पे लाई कर रहा है, mod z equals to 1, तो a ऑप्शन इज ट्रू। ठीक है, कितने बच्चों को समझ आ रहा है कि b ऑप्शन इज नथिंग बट, करके देखो यार ट्राई, मतलब कंडीशन ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स फॉर ईच पॉइंट एंड देन एडिंग, ट्राई करके देखो यार, मतलब आई एम नॉट श्योर, आज तो जाना चाहिए अगर सारी कंडीशंस यूज कर लोगे, बट हो सकता है लेंथी हो जाए। बी ऑप्शन कितने बच्चों को समझ आ रहा है, इट इज नथिंग बट अगर ये मॉडुलस 3 है तो बी ऑप्शन इज एक्चुअली सेम एज ए ऑप्शन, कितने बच्चों को चलेगा, है ना? Z1 बार क्या है बच्चों, मॉड Z1 तो 2 है और मॉड Z2 और मॉड Z3 1 है, तो कितने बच्चों समझ रहा है, Z1 बार एक्चुअली 4 है, देख लो एक बार, Z2 बार इज 1, Z3 बार इज 1, ये समझा क्या, ये कंडीशंस यूज कर लिया पे, Z1 बार को 4/Z1 लिखोगे क्योंकि Z1 2 रेडियस वाले सर्कल पे लाई कर रहा है और Z3 बार को 1/Z3, ये बस और कुछ नहीं, चोमू बनाने के लिए दिया था बी ऑप्शन, दैट्स इट। सी ऑप्शन क्या है, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2/Z3, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2/Z3 कौन सा एंगल हो जाएगा बच्चों, ये आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2/Z3 इज, सर ये बी ऑप्शन फाइनल वाला कैसे आया, फाइनल पॉइंट, एक सेकंड सर, एंगल एबीपी होगा, एओबी ना, Z2/Z3 मतलब Z2 वेक्टर और Z3 वेक्टर के बीच का एंगल, तो समझाओ कि दिख रहा है एंगल एओबी हो गया, Z2 और Z3 के बीच का एंगल, तो वो 120 डिग्री, तो सी ऑप्शन भी करेक्ट है, बी ऑप्शन भी करेक्ट है। अरे देखो ना यार, मॉड Z1 किस पॉइंट पे लाइक कर रहा है, Z1 किस पे लाइक कर रहा है, Z1 लाइज ऑन दिस सर्कल, तो मॉड Z1 2 है, तो Z1 बार 4 है ना, एंड Z2 बार इक्वल्स टू Z3 बार, ये दोनों 1 है ना, तो मैंने Z1 को 4/Z1 बार लिख दिया, ये सारी कंडीशंस यूज करके यहाँ पे चिपका दी कि Z1 को 4/Z1 बार लिख सकता हूँ, Z2 को 1/Z2 बार, Z3 को 1/Z3 बार, एंड सेम हियर, तो ये ऑप्शन है। ठीक है, यस सर, तो ये ABC तीन ऑप्शन आ गया। सर वो सी वाला भी एक बार एक्सप्लेन करो, देख आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2/Z3 का मतलब क्या होता है, Z2 वेक्टर और Z3 वेक्टर के बीच का एंगल ना, तो इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल क्या है बता, हाँ हाँ सर समझा, है ना, 120, तो वो 2π/3, वही तो सी ऑप्शन था बस। चलो इन तक बचे हुए 2 क्वेश्चन कर लो घर पे आराम से, नहीं तो आज कुछ थ्योरी कवर ही नहीं होगी, थोड़ा सा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मेरे मन में जो मैं पढ़ाना चाहता हूँ, चलेगा क्या, क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3 करके लाओ आराम से घर पे प्रैक्टिस करो, कल वैसे आपकी छुट्टी होनी चाहिए थी, तो घर पे बैठ के आराम से ट्राई कर लो, अच्छे क्वेश्चन है क्वेश्चन 2 एंड क्वेश्चन 3, थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन के ज्यादा क्वेश्चन है एज कम्पेयर टू सर्कल के, सर्कल के कम नहीं है, स्ट्रेट लाइन के ज्यादा क्वेश्चन है क्वेश्चन 2 एंड क्वेश्चन 3 दोनों, तो मैं रचित कर लो यार आराम से, अगर मैं अभी क्वेश्चन 2 करूंगा तो मैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट थोड़ा सा रश करना पड़ जाएगा, तो अभी मैं आराम से करके आओ, मैं अच्छे से डिस्कस कर लूंगा, नेवर माइंड, ठीक है, अभी वो जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट वो 15 मिनट तो मिनिमम लेते ही है, तो मैं समझा ही देता हूँ, नहीं तो आज फिर थ्योरी कुछ भी नहीं हुई ना यार, ये सब क्वेश्चन ही हुए बस, ये इतना सा थ्योरी हुआ, तो मतलब अननेसेसरीली लेक्चर वेस्ट टाइप हो रहा है इसलिए।
तो ये दोनों बच्चे पे क्वेश्चन करना, तो आपके आपके पास पांच क्वेश्चन पेंडिंग हो गए अब, ठीक है। तीन ट्राइंगल इनइक्वालिटी के और दो ये वाले, तीन ट्राइंगल इनइक्वालिटी के और दो ये वाले, ठीक है। तो ये वाला जो पोर्शन है जो मैं बता रहा हूँ, ये थोड़ा सा आप ध्यान से सुनना, आई वॉन्ट यू टू पे प्रॉपर अटेंशन टू दिस। देखो अपन को अभी तक अगर अपन ने ध्यान से देखा हो तो मैंने फॉर्मूले तो कम रटवाए, बट मैंने ये बताया कि इसकी शक्ल देख के पहचान जाना ये क्या होता है, उसकी शक्ल देख के पहचान जाना ये क्या होता है। जैसे अभी तक तो खाली अपन ने दो ही मेजर मेजरली दो ही चीजें सीखी हैं कि एक स्ट्रेट लाइन कैसा दिखेगा और एक सर्कल कैसा दिखेगा, ऐसा टाइप का मेजरली दो ही चीजें सीखी हैं। अब कभी कभी ऐसा आता है बच्चों की कॉम्प्लेक्स फॉर्म में एक सर्टेन इक्वेशन इज गिवन, तो दो ही ऑप्शन हो सकते हैं, या तो वो इक्वेशन आपको नोन है और वो आपको इंटरप्रेट करना आती है, या फिर वो इक्वेशन एंटायरली अननोन है, दो ही ऑप्शन हो सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैं जो जो भी नोन होना चाहिए था, जिन जिन को आपको देख के क्लिक हो जाना चाहिए कि ये क्या बोल रहे हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ अच्छे से, और ये सुनना। स्टैंडर्ड लोसाई में सबसे पहला वाला क्या होता है, वैसे इसका नाम आपको पता नहीं, अपोलो नियर सर्कल्स, तो नाम जान के कुछ नहीं करेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, बट मैं फिर भी ऐसे लिख दे रहा हूँ, अपोलोनियस सर्कल। तो ध्यान से देखो अपोलोनियस सर्कल में होता क्या है, ए जेड वन एंड बी जेड टू आर टू फिक्स्ड पॉइंट्स, ए जेड वन एंड बी जेड टू आर टू फिक्स्ड पॉइंट्स, ऑलराइट, एंड पी जेड इज अ वेरिएबल पॉइंट सच दैट, कुछ ना कुछ कंडीशन देगा वो कि वेरी कर रहा है सच दैट। तो सच दैट वाली कंडीशन क्या है बच्चों, पी ए अपॉन पी बी इज ऑलवेज के कॉन्स्टेंट, ये तुम्हारी कंडीशन दी हुई है, पी एफ ऑन पी बी अगर कांस्टेंट है तो क्या, ऐसे टाइप का कुछ पूछ रहा है बच्चों। तो मैं डिराइव तो सब कुछ कर देता हूं, बट पहले क्या क्या याद रखना है वो रट लेना। और ये देखो पी एफ ऑन पी बी इक्वल्स टू कांस्टेंट को कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कैसा देगा वो, अगर ऐसा दिख रहा है जेड वन जेड टू फिक्स्ड दिख रहे हैं और जेड वेरिएबल गिवन है सच दैट, ऐसी गंदी सी शक्ल दिख रही है कुछ, जेड माइनस जेड वन का मॉड अपॉन जेड माइनस जेड टू का मॉड इज गिवन कॉन्स्टेंट टू वन बाई टू थ्री पॉइंट फाइव एनीथिंग, अगर ये दिख रहा है तो ये एक स्टैंडर्ड लोकस है और आपको ये रटा होना चाहिए कि अगर ऐसा हो रहा है देन क्या है लोकस और ये क्या रिप्रेजेंट करता है, देन लोकस ऑफ जेड इज, देखो ये तो बहुत ऑब्वियस है, स्ट्रेट लाइन एक्चुअली में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी इफ के इज वन एंड द लोकस ऑफ जेड कम्स आउट टू बी सर्कल इफ के इज नॉट वन। क्रक्स ऑफ डिस्कशन ये है, अगर आपको ये शक्ल दिखे कि भैया जेड माइनस जेड वन का मॉड अपॉन जेड माइनस जेड टू का मॉड, इसका मतलब है डिस्टेंस फ्रॉम जेड वन अपॉन डिस्टेंस फ्रॉम जेड टू एक कॉन्स्टेंट है, अगर ये दोनों डिस्टेंसेस का रेशियो कॉन्स्टेंट है तो डिपेंडिंग अपॉन दिस रेशियो द कॉन्स्टेंट लोकस में दो ही पॉसिबिलिटी है, क्या क्या, या तो के आएगा वन तो ये डिस्टेंस इक्वल हो जाएंगे ना बच्चों, पी इक्वल टू पी बी, दिट इज आई थिंक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी की दो इक्वी डिस्टेंट है तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, याद आ रहा है ये तो अपन पढ़ चुके हैं पहले भी, बट मैं बोल रहा हूं अगर मान लो के वन नहीं है तो पी अपॉन पी बी इज सम अनदर कॉन्स्टेंट टू है मान लो, तो ये सर्कल बनेगा, ठीक है। तो क्रक्स ऑफ डिस्कशन इज हियर, दिस यू नीड टू नो, प्रूव करूंगा ऑफकोर्स मैं, बट प्रूव इज नॉट रियली दैट इंपॉर्टेंट जितना ये ऊपर की कंडीशन है, ऊपर की कंडीशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये आपको रटना है। बट इसमें और कुछ कभी बनाने की कोई कोशिश करे तो मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल में दिखा देता हूँ, बट एक्चुअल मेजर कंडीशन ये कि ये दिखे तो फट से टिक करके आ जाना ऐसा। तो देखो प्रूफ देखो, बहुत पप्पू सा प्रूफ है तो कर भी देता हूँ मैं, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई थिंक इट्स अ वेरी इजी प्रूफ, ज्यादा मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है इसमें। ये देखो ये रियल एक्सिस नहीं है, पहली बात तो पता नहीं बच्चों को क्यों लगता है ये रियल एक्सिस बनाया मैंने, मैसी बस चलो ये ए जेड वन है, ये बी जेड टू है, ठीक है, और ये लाइन ज्वाइनिंग देन है, और ये पी जेड है। मैं क्या कर रहा हूं कंस्ट्रक्शन के नाम पे, लेट पी सी एंड पी डी बी इंटरनल एंड एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ए पी बी, चलेगा क्या, मेरी मर्जी, मेरे को जो कंस्ट्रक्शन करना है। तो देखो बच्चों एंगल ए पी बी मतलब ये, तो एंगल ए पी बी, पी वेरिएबल है, हाँ वेरिएबल है, तो भी क्या हुआ, मैं एंगल बाइसेक्टर तो बना ही सकता हूँ ना, ये वेरिएबल होगा कि एंगल बाइसेक्टर, हाँ होगा, है ना, और ऐसे ही एक्सटर्नल एंगल का भी एक एंगल बाइसेक्टर बना दो,
PD. PD is the external angle bisector, which means what? ये दोनों एंगल इक्वल होंगे. आई होप यहाँ तक सबको क्लियर हो. आई होप यहाँ तक सबको क्लियर हो. अब ध्यान से देखो, बाय एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी. व्हाट इज द एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी बच्चों? ये बहुत बार कर चुके आप. एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी क्या सजेस्ट करता है आपको? सर, AC upon AP is BC upon BP. PA upon PB is also AC by CB. याद आ रहा है? एंगल बाइसेक्टर डिवाइड्स द अपोजिट साइड इन द रेशियो ऑफ द साइड्स कंटेनिंग द एंगल. And that is not only true for PA upon PB is AC upon CB is also AD upon DB. External angle bisector भी same हरकत करता है. It is not only for internal angle. External भी same करता है. Okay, ये सबको पता है. Okay, but ध्यान से देखो, PA upon PB question के हिसाब से क्या given है? Question के हिसाब से PA upon PB क्या है? K ना? कॉन्स्टेंट के और क्या दिया है ना? वो तो घूम ही ऐसा रहा है. P is variable such that P upon PB is constant K. तो कितने बच्चों को दिख रहा है? AC upon CB is constant K and AD upon DB is constant K. ये दिया हुआ है. तो कितने बच्चों को दिख रहा है कि C and D kind of divide A and B in ratio case to one. एक तो internally and externally respectively. जल्दी बताओ. Obviously अभी तक तो मैंने कुछ खतरनाक यूज नहीं करा है. देखो कुछ ज्यादा फाइट हो रही है तो बताओ. बट आई एम अज्यूमिंग कि तुम्हें समझ आ रहा है. सिंस देयर इज नो क्वेश्चन येट, अभी तक किसी को डाउट नहीं आया तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ सबको आ रहा है समझ में. अब जरा सोच के बताना, अगर मुझे पता है ये केस टू वन है, तो अगर मुझे पता है रेशियो, तो मैं सेक्शन फॉर्मूले से ये लिख सकता हूँ क्या? बताओ बच्चों. के जेड टू प्लस जेड वन अपॉन के प्लस वन. सी का कोऑर्डिनेट क्या बन जाएगा? के जेड टू वन जेड वन अपॉन के प्लस वन. और डी का कोऑर्डिनेट क्या बन जाएगा? एक्सटर्नली डिवाइड कर रहे हैं तो के एंड माइनस वन लेके. कुछ याद आ रहा है ऐसा? बच्चों कितनी देर से अभी तक किसी ने कुछ नहीं बोला है? एक बार कंफर्मेशन दे दो भाई. यस है ना? हाँ ठीक है चलो. नहीं तो एकदम बहुत देर तक बच्चे साइलेंट रहते तो ऐसा लगता है कि या तो फुल ऑन बाउंसर जा रहा है या समझ आ रहा है. चलो ठीक है. तो आई एम अज्यूमिंग यहाँ तक सबको क्लियर है. तो अब ध्यान से देखना, अच्छे से ये बात समझना कि जो सी एन डी है, ध्यान से देखो सी एन डी के कोऑर्डिनेट तो आ गए. कितने बच्चे को समझा कि Z1 फिक्स्ड है? हाँ. Z2 फिक्स्ड है? हाँ. K कांस्टेंट फिक्स्ड है क्या? हाँ. रेशियो तो गिवन होगा तो K भी फिक्स्ड है, Z1 भी फिक्स्ड है, Z2 भी फिक्स्ड है. तो इसका मतलब है CND फिक्स पॉइंट्स है कि नहीं बताओ. CND फिक्स पॉइंट्स है. हाँ यार. तो मतलब भले P वेरिएबल हो, ये बाइसेक्टर्स जो है ना, ये फिक्स पॉइंट्स पे इस लाइन को मीट कर रहे हैं. CND फिक्स हो रहे हैं बच्चों. ये कितने बच्चों को पता है? बोलो बोलो. एक्सप्लेन अगेन व्हाई सी एंड डी आर फिक्स्ड. आई एम नॉट रिपीटिंग दैट. ये समझा था सीओडी के कोऑर्डिनेट्स यहां हैं. हां सर. तो बस Z1 फिक्स्ड है, Z2 फिक्स्ड है, K फिक्स्ड है, तो CB फिक्स हो गया ना भाई. वैसे ओके ओके. हां आल्सो अब नहीं यार, यहां लिख देता हूं यार मैं. ये अपना एनालिसिस हो गया. इसके बाद ये एनालिसिस यहां कंटिन्यू कर रहा हूं. लुक एट दिस. आल्सो कितने बच्चों को समझ आ रहा है? एंगल CPD इज 90 डिग्री. ये समझाओ कि समझता है. एंगल बाइसेक्टर्स आर परपेंडिकुलर. ये अल्फा है, ये अल्फा है, ये बीटा, ये बीटा है. चलेगा? एंगल बाइसेक्टर्स है ना, तो अल्फा अल्फा बीटा बीटा. कितने बच्चों को दिख रहा है? टू अल्फा प्लस टू बीटा 180 होना चाहिए. तो सेफ टू अज्यूम अल्फा प्लस बीटा 90 होना चाहिए. जल्दी बताओ. अल्फा प्लस बीटा 90 होना चाहिए. तो अल्फा प्लस बीटा मतलब सीपीडी इज अल्फा प्लस बीटा ना. सीपीडी इज अल्फा प्लस बीटा. देख लो एक बार. अल्फा प्लस बीटा इज 90. आई होप यू अंडरस्टैंड. और ये सबको पता ही यार, दोनों एंगल बाइसेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं. तो एंगल सीपीडी हमेशा 90 है. बच्चों को दिख गया लोकस? सी फिक्स्ड है, डी फिक्स्ड है और पी वेरिएबल है, सच दैट सीपीडी 90 है. तो अगर सीपीडी 90 है तो पी का लोकस क्या हुआ? सर्कल विद डायमीटर सीडी. लोकस ऑफ पी इज सर्कल विद डायमीटर सीडी. बस खत्म. तो ये वाला पॉइंट तो प्रूव हो गया ना कि पी का लोकस क्या होगा? सर्कल. तो लोकस ऑफ पी सर्कल विद डायमीटर सीडी. बस हो गया प्रूफ. ये तो प्रूफ करना था. इट्स अ सर्कल. इट्स अ सर्कल है ना. तो अगर ये सर्कल है
तो इस सर्कल के बारे में डेटा भी निकाल सकते हैं, बट आई थिंक ये डेटा ऑप्शनल है, कोई जरूरत नहीं है इसको याद रखने की सर्कल। अच्छा मुझे बताओ, ये जो लोकस आने वाला है, सेंटर ऑफ दैट लोकस क्या आएगा? ये जो भी लोकस आने वाला है, सेंटर ऑफ दैट सर्कल कैसे निकालेंगे? वेरी गुड, इज मिड पॉइंट ऑफ सी डी। तो मैं निकाल के रख देता हूं, मुझे नहीं लगता ये काम आता है। COD का मिड पॉइंट निकाल सकते हो क्या? हाँ बे, दिस प्लस दिस बाय टू, तो निकाल के देखो ये आ जाएगा। सेंटर विल बी ऐसा कुछ दिखेगा, के स्क्वायर जेड टू माइनस जेड वन, दिस प्लस दिस बाय टू करके देखो ये आ जाएगा। तो वो जो लोकस है उसका सेंटर और रेडियस भी निकाल सकते हैं बच्चों हम लोग। रेडियस क्या हो जाएगा बच्चों? है ना, तो CD बाय टू मतलब C का कोऑर्डिनेट माइनस D का कोऑर्डिनेट उसका मॉडुलस अपॉन टू। तो वो मुझे याद है तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, और मैं वैसे भी आपको सजेस्ट भी नहीं कर रहा ये याद रखो, मैं तो ऐसे निकाल के रख देता हूँ कि चलो भैया किसी को कभी काम आ जाए तो आप यूज कर सकते हो, वापस से डिराइव करने से बेटर है। तो हमने जो जस्टिफाई करना था वो जस्टिफाई कर दिया, और डेटा भी थोड़ा सा एक्सपेक्ट कर लिया कि इट्स अ सर्कल, ओके विच सर्कल, ये सेंटर, विच रेडियस, ये रेडियस। जरूरत नहीं है इसको एकदम रटने की फुल ऑन, बट ठीक है निकालना तो क्या परेशान है। बिल्कुल, मतलब लिखना सब कुछ है, बट क्रक्स ऑफ डिस्कशन वॉज वॉट, वॉट वॉज द क्रक्स ऑफ डिस्कशन? ये रेड वाले बॉक्स में जो है ना, ये एब्सोल्युटली रटना है। बाकी नीचे मैंने प्रूफ बताया, प्रूफ आपके ऊपर है, आपको लिख तो लो, बट नॉट दैट इंपॉर्टेंट। अच्छा इसको छोटा सा शॉर्टकट बता रहे हो ना कि कैसे जल्दी से करना है सब टाइप ऑफ सम। सुनो सुनो सुनो, तुम्हें क्वेश्चन पता है क्या आएगा कि ये क्या है? ओके सर, हम लोग लोकस डिटेक्शन, लोकस डायरेक्टली बता सकते हो टाइम से? हां हां, कि तुम सीधे ही तुम्हें देख के एकदम से क्लिक हो जाना चाहिए कि अबे ये तो अपोलोनियस सर्कल की डेफिनेशन दी हुई है, तो देख के के की वैल्यू जज करके तुम सीधे एनालिसिस फेंक सकते हो। तो मैं तो कंप्लीट एनालिसिस करूंगा और क्वेश्चन के बेसिस पर। अच्छा हाँ यार, इसके लिए मॉड के की जरूरत नहीं है ऑफ कोर्स, क्योंकि के तो रेशियो है तो के तो पॉजिटिव होगा। यस अग्रीड, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, ये सेंटर रेडियस भी याद करना है? नहीं मुझे तो याद नहीं है, सुन तो लो, मुझे याद नहीं है तो मैं आपसे भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकता, मुझे याद नहीं है, बट मैं मुझे पढ़ाना तो पड़ेगा ना, वैसी वाली बात है, आई हैव टू टीच। मैं अगर इसमें आधी चीज पढ़ा दूं आधी बता दूं तो ऐसा हो सकता है ना, कभी क्वेश्चन बन गया तो फिर ऐसा होगा सर ने तो बताया नहीं था। तो मैं तो याद नहीं रखता इन पर्सन, बट पढ़ाऊंगा जरूर। चलो एक और छोटी सी बात है ये भी बताई देता हूं, लुक एट दिस। एक्चुअली में पता कैसा होता है, तुम्हें समझ रहा है कि के, वैसे के कितनी वैल्यूज ले सकता है, हाउ मेनी वैल्यूज के कैन टेक, उसने रेशियो बोला है ना, तो रेशियो क्या क्या हो सकता है? इनफाइनाइट वैल्यूज, के कैन टेक इनफाइनाइट वैल्यूज। तो अगर मैं के की सारी सारी वैल्यूज पुट करते जाऊंगा तो के इक्वल्स टू वन पे तो ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आता है, ये मैं आपको एस्टेब्लिश कर चुका हूं। बट अगर के वन नहीं है तो मान लो जैसे के वन टू है, थ्री है, फोर है, फाइव है, तो पता है क्या बनता है? ये देखो इंटरेस्टिंग सा, इसलिए मैं बता रहा हूं, मेंशन कर रहा हूं प्योरली आउट ऑफ क्यूरियोसिटी। पता है क्या बनता है? सर्कल्स ही बनते हैं, बट कैसे? कुछ याद आ रहा है? ये डायग्राम हमने देखा है बचपन में, ऑर्बिट्स, ऑर्बिट्स, कॉन्टूर्स, कॉन्टूर्स। अरे दुष्ट बच्चों क्या बोल रहे हो, लाइक जब ई को बढ़ाते जाते हैं तो ऐसा कुछ बनाता है? नहीं बाबा, अबे मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के उसमें पूछ रहा हूँ, फील्ड लाइंस। सर सेम रेडिकल एक्सिस। हाँ अबे फैमिली ऑफ सर्कल्स। हाँ सर, फैमिली ऑफ सर्कल्स, फील्ड लाइंस, और पता नहीं फलाना ढिमका क्या बातें कर रहे हो भक्त। मैं बोल रहा हूँ फैमिली ऑफ सर्कल्स है, याद आ रहा है? ये फैमिली ऑफ सर्कल्स आपने पढ़ा है, फैमिली ऑफ कोएक्सियल सर्कल्स करके एक नाम सुना होगा, वही है ये। एज ए फैमिली ऑफ सर्कल बनता है, मैं के की वैल्यूज वेरी करते जाऊंगा तो सारे ऐसे सर्कल्स मिलते जाएंगे, ऐसा दिस बिकम्स अ फैमिली ऑफ सर्कल्स, ऐसा टाइप का। और देखो एक्चुअली में क्या हो जाएगा, के ग्रेटर देन वन वाले इस साइड होंगे और के लेस देन वन वाले इस साइड होंगे। आई थिंक इट इज अंडरस्टूड, सर्कल तो मैं एस्टेब्लिश कर चुका हूं, बट कहां पे सर्कल बनेगा? तो अगर मान लो पी ए अपॉन पी बी, के अगर वन से बड़ा मान लो टू है, तो तुम समझ पा रहे हो कि अगर पी ए अपॉन पी बी टू है तो पी ए से ज्यादा दूर होगा एज कम्पेयर टू बी, पी ए से ज्यादा दूर होगा एज कम्पेयर टू बी, तो तुम्हारा सर्कल यहां बनेगा, ठीक है, ऐसा टाइप का। तो k ग्रेटर देन वन,
we'll have b as an internal point and k less than 1 we'll have c as an internal point as such. Sir, हाँ ये अपोलो ने सर्कल का प्रूफ ऐसे कर सकता है कि स्क्वायर कर दिया और फिर जेड जेड बार जेड जेड बार करके हाँ 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 ओके बिल्कुल 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 कर सकते बट दिस इज मोर एलिगेंट एंड दिस गिव्स यू काइंड ऑफ ज्यादा जल्दी डेटा उसको स्क्वायर करके रीअरेंज करेंगे ना तो दिमाग खराब होगा बहुत बट यस यू विल गेट द एग्जैक्ट सेम डेटा ही मिलेगा एग्जैक्ट सेम ठीक है छापो तो एक स्टैंडर्ड लोकस बहुत काम का ही है इसको आपको समझना ही है इस ये और किस तरीके से क्वेश्चन पूछेंगे वैसे मैं इसी पे प्योर क्वेश्चन अपडेट कर देता हूँ अपोलिनियस सर्कल पे होमवर्क क्या है तीन चार क्वेश्चन बुकलेट में दिए हुए हैं तो मैं वो दे देता हूँ पहले होमवर्क ऑन अपोलिनियस सर्कल अलग से दे रहा हूँ नहीं इधर नहीं लिखता हूँ फिर रुको इधर नहीं लिखता हूँ इसको छाप लो बच्चों जल्दी से तो इतना डिटेल्ड एनालिसिस मेरे हिसाब से नहीं पूछेंगे बट आपको जो रेड बॉक्स में बना हुआ है वो तो मिनिमम पता होना ही चाहिए कि जैसे ही क्वेश्चन आए शक्ल देखी अबे ये तो वो है और ढिंचाक टिक करके आ गया प्रथम होमवर्क भी दे ही रहा हूं दो मिनट हाँ मतलब चल चल ठीक है मैं कुछ पढ़ा नहीं रहा बट अगर पूरा नोट कर लिया तो यस यू कैन लीव बट होमवर्क पीडीएफ के एंड में लिख रहा हूं तो वहां से कॉपी कर लेना वैसे ऐसा क्यों होता है यार कि एंड एंड तक मतलब जैसे स्टार्टिंग में एकदम 200 बच्चे रहते हैं फिर एंड एंड तक ऐसे 30-40 तो निकल ही जाते हैं बीच में लेक्चर छोड़ने का मेरे को पॉइंट ही नहीं समझता जैसे 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 एक घंटा हो जाता है तो एक घंटे के बाद 20-25 स्टूडेंट्स ऐसे निकल जाते हैं हाँ मतलब एवरी लेक्चर इज दिस हैपेंस आई नो जी हाँ बट क्यों मतलब लाइक समझ ही नहीं आता मेरे को आधे बीच में लगता है छोड़ना तो सबसे ज्यादा डिजास्ट्रस होता है या तो आप अटेंड ही नहीं करें वो ठीक है कुछ रीजन हो बट आधे बीच में छोड़ के जाना तो मेरे को समझ ही नहीं आता आई एम नॉट कंप्लेनिंग मतलब इट्स नॉट माय लॉस मतलब आई एम नॉट कंप्लेनिंग आई एम जस्ट आस्किंग कि मतलब रीजन क्या है मतलब टू एक्सटेंड द ब्रेक टाइम बट ऐसा थोड़ी कि बच्चे इसमें मतलब कुछ ऐसा इट्स नॉट लाइक ऑफिस आवर्स हैं और वो मतलब ब्रेक टाइम एक्सटेंड करने के लिए ऑफिस आवर्स में स्किप कर रहा हूँ टाइप ऐसा नहीं है तुम लोग ये तो मतलब दिस इज फॉर यू वैसी वाली बात है अगर किसी को फुल बाउंसर जा रहा है हाँ ये पहला जेन्युइन मेरे को वो लगा कि अगर किसी को फुली बाउंसर जा रहा है तो फिर यस ये जेन्युइन रीजन है कि अगर कुछ घंटा समझ ही नहीं आ रहा तो भग मेरे को नहीं बैठना इससे तो मैं पोकेमॉन देख लेता हूं एक सेकंड में नहीं यार आज के एज में इतना इंटरनेट इश्यूज भी नहीं होता यार इतना इंटरनेट इश्यूज भी नहीं होता कि आप बीच में ड्रॉप कर जाओ ऐसा आई डोंट थिंक सो बट हाँ चलो कई बच्चे ऐसे भी होते हैं कि अबे ठीक है ना सुबह कौन उठे बाद में रिकॉर्डिंग देख लेंगे ठीक है फेयर इनफ बट मेरे हिसाब से पर्सनली आई थिंक देयर इज नथिंग बेटर देन अटेंडिंग लाइव रिकॉर्डिंग में वो बात नहीं है जो एकदम प्रॉपर लाइव में बात होती है वो माहौल नहीं रहता नॉट द सेम थिंग नॉट एट ऑल लाइव में यू आर जस्ट देयर एंड यू कैन आस्क एनीथिंग एंड यू कैन मतलब जस्ट कुछ भी कर सकते हो उसमें बहुत सारी चीजें उसमें मजा नहीं आता है रिकॉर्डिंग में क्रॉल अप और चलो ठीक है देख लो और ऊपर मैं जब तक होमवर्क जुगाड़ता हूँ एक तो मैं आपको ये मेंशन करके जाता हूँ कि खाली अपोलोनियस सर्कल के क्या क्वेश्चन है तो बुकलेट हैज लाइक गुड 2-3 अपोलोनियस सर्कल बेस्ड क्वेश्चंस वन बी में तो नहीं है वन सी में एक आध है शायद सर हल्का सा नीचे स्क्रॉल करेंगे जस्ट अ सेकंड वो किसी को हाँ थोड़ा सा ये कर देता हूँ ठीक है यस थैंक यू सर
सर रेडियस में आपने मॉड ऑफ पी स्क्वायर माइनस वन क्यों लिखा है? एलसीएम जब तू ऐसा होता है ना, सी का कोऑर्डिनेट माइनस डी का कोऑर्डिनेट अपॉन टू है ना, मतलब सी डी बाई टू मतलब सी और डी के बीच का डिस्टेंस, तो दिस कोऑर्डिनेट माइनस दिस कोऑर्डिनेट अपॉन टू, तो एलसीएम लेके लिखेगा ना दोस्त? ओके सर, क्योंकि के लेस देन वन भी हो सकता है। हाँ, के लेस देन वन भी हो सकता है, एग्जैक्टली, रेशियो तो कुछ भी हो सकता है ना, इसलिए मॉड लिखना जरूरी है, करेक्ट। वही देखना, देख मैंने बताया भी है, के लेस देन वन और के ग्रेटर देन वन के कारण फर्क क्या पड़ता है, सर्कल्स बनेंगे सारे, एक इधर बन जाएगा एक उधर बन जाएगा, बस ऐसा टाइप का। चलो तो अपोलोनियस पे होमवर्क क्या है, अपोलोनियस इसका एक्सक्लूसिव होमवर्क क्या है, एक आप कर सकते हैं 2B का 13, फिर क्वेश्चन 6, फिर 2A का 11, ठीक है, ये अपोलोनियस सर्कल के क्वेश्चंस हैं। और मैं थोड़ा सा जनरल होमवर्क भी दे देता हूँ, अपडेट कर देता हूँ, आई थिंक नाउ यू कैन सॉल्व फॉर इन चैप्टर 3, थोड़ा इन चैप्टर 4, इन चैप्टर 4 कर सकते हो, एक बार जस्ट चेक कर लेता हूँ, रुको कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना, क्योंकि एक आज छोटा सा कॉन्सेप्ट बाकी है, ये कर सकते हो, ये कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, मतलब इन चैप्टर 3 सारे कर सकते हो, क्वेश्चन 9 मत करना, क्वेश्चन 9 अभी नहीं पढ़ा है, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, और उसके बाद 1A 1B भी तो अब मैं काउंट ही नहीं करता, वो तो ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ फिनिश हो रहा है। 1C में क्या क्या बच रहा है बच्चों, 1C में मैं काफी क्वेश्चंस पहले ही दे चुका हूं, वंसी का 32, तो सर हम पूरा 1B अटेम्प्ट कर सकते हैं ना? 1A 1B ऑलमोस्ट कर सकते हो, हाँ, एक दो छोटी छोटी बातें यार, एक दो छोटी छोटी बातें जो मतलब रह जाती हैं इसमें, 1B का ये भी दे देता हूँ, अच्छा नया दिखा, 1B का 24 भी दे देता हूँ अपोलोनिया इसमें। सर लाइक नेक्स्ट वीक कॉम्प्लेक्स खत्म ना पर 2.5 लेक्चर चाहिए मुझे, 2.5 लेक्चर, तो हाँ अगर नेक्स्ट वीक 3 लेक्चर हुए तो यस खत्म हो जाएगा, फिर आप पूरा बुकलेट खत्म कर लेना, और आपको और प्रैक्टिस मटेरियल चाहिए तो वो भी मिल जाएगा। कॉम्प्लेक्स के बाद कौन सा है? कॉम्प्लेक्स के बाद वेक्टर 3D है, वेक्टर 3D इज लाइक सुपर 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 एकदम मजेदार। सर बीएनसी और प्रोबेबिलिटी कब होगा? अब वो शायद मेरे हिसाब से एंड में होगा, सबसे एंड में। सो पीएनसी का प्रोबेबिलिटी का वेटेज है क्या सर आपसे? प्रोबेबिलिटी का है, पीएनसी का कम है, प्रोबेबिलिटी का सुपर वेटेज है। थोड़े से एक्सरसाइज 3 के मार्क कर देता हूँ, ठीक है, तो चलो जो लिख के हो गया तो यू कैन डिस्कनेक्ट और इसमें से देख लेना। अच्छा 2C के भी एक दो दे देता हूँ, ये वाले थोड़े गंदे सम्स हैं, इरिटेट करेंगे, बट दीज आर जस्ट क्वेश्चंस। सर एक चीज पूछनी थी। हाँ सर, ये पीएनसी का डिसाइड हो गया कि क्या है सर? इफ पॉसिबल आप मतलब अभी करा सकते हो, क्योंकि पूरी बायनोमियल की बुकलेट भी पेंडिंग है मेरी, तो पीएनसी अभी करा सकते हो? अभी मतलब सर आफ्टर वेक्टर 3D? नो, वेक्टर 3D और डिटरमिनेंट मैट्रिसेस का वेटेज बहुत ज्यादा है, तो वो टॉपिक पहले कराना है अच्छे से, फिर पीएनसी एंड फिर प्रोबेबिलिटी एंड में। क्योंकि एक्चुअली वेक्टर 3D इज काइंड ऑफ थोड़ा सा सिमिलर टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, मतलब थोड़ा कुछ कुछ वर्किंग उसका सेम टाइप का है, तो बेस्ट रहेगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर के बाद वेक्टर 3D कर लो। ओके सर, कितने लेक्चर्स करेंगे वो, बड़े क्या? प्रोबेबिलिटी तो काफी छोटा है, पीएनसी थोड़ा सा बड़ा है। नहीं सर, वेक्टर 3D दो टॉपिक है, डिटरमिनेंट मैट्रिसेस भी दो टॉपिक है, कॉम्प्लेक्स लेस देन कॉम्प्लेक्स ही है, बट कॉम्प्लेक्स से थोड़े से छोटे ही है, डिटरमिनेंट मैट्रिसेस थोड़ा और छोटा है, बट इससे तो छोटे ही है दोनों टॉपिक।
ठीक है चलो टाटा। वेक्टर इजी तो नहीं है बट वैसा डिफिकल्ट भी नहीं है कि दिमाग खराब, इजी भी नहीं है डिफिकल्ट भी नहीं है, मीडियम मीडियम है। चलो तो मैं पीडीएफ शेयर कर देता हूँ, ट्राई करना ठीक है। सी यू आई थिंक वी हैव लेक्चर ऑन मंडे, बाय बाय, टेक केयर। बचे हुए क्वेश्चन सॉल्व कर लेना भाई, बचे हुए क्वेश्चन सॉल्व कर लेना दोस्तों, ठीक है। हाँ एक बात सिली डाउट था, जब हम बोलते हैं हम वेक्टर ले सकते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को, तो हम लोग उसको किधर भी ट्रांसलेट कर सकते हैं ना? हाँ कॉन्सेप्चुअली यस, व्हाई नॉट, यस। बट फिर अगर ट्रांसलेट किया तो ज्योमेट्री पूरा हिल जाएगा ना, लाइक हम लोग z माइनस z नॉट का मॉड लेके सर्कल पूरा बनाते हैं। हाँ तो तू उसको मतलब यार मतलब या क्या बोलो, लाइक देख अगर लोकस निकाल रहा है तो मत शिफ्ट कर यार और को, बट अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर बोलेगा तो एज अ नंबर ये आएगा। एक काम कर ये ले ले, ये पॉइंट ले ले 2.4 और ये पॉइंट ले ले 1.7, ठीक है। तो तू अगर मैं तुझे पूछता हूँ कि ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है तो तू क्या करेगा, 3i। अच्छा तो ओरिजिन वाला, हाँ तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर सेम है, बट तू इसको शिफ्ट मत करना, एंड वेक्टर में भी नहीं करोगे, इनफैक्ट वेक्टर में भी यू आर नॉट गोइंग टू डू दिस। अगर तुझे एक वेक्टर का पॉइंट दे देता हूँ ए वेक्टर और एक यहाँ पे एक वेरिएबल लोकस पॉइंट दे देता हूँ आर वेक्टर, तो तब भी आर माइनस ए वेक्टर ये होगा और आर माइनस ए का मॉड सर्कल होगा, आर वेक्टर माइनस ए वक्त ये ऐसा। अच्छा, तो तू उसको शिफ्ट मत कर क्योंकि शिफ्ट करने का कोई रीजन नहीं है, बट अगर तू बोलना चाहे कि यही लेंथ का और यही डायरेक्शन का अगर मैं बिल्ड करना चाहूँ तो वो इवेंचुअली कर सकता है, सेम बात है। ये तो पूरी ज्योमेट्री ओरिजिन पे ही आ जाएगी ना जो भी हम बनाएंगे, तो मत करना शिफ्ट। बट अगर तू ये बोलना चाह रहा है कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है तो ऑफकोर्स ये कॉम्प्लेक्स नंबर इज -1+3i और उसको तो ओरिजिन पे शिफ्ट करना चाहता है तो कर ले, बट पॉइंटलेस है ना, व्हाट्स द पॉइंट। तू ए बी वेक्टर, तू तो फिर ये बोल रहा है ना कि हर वेक्टर पोजीशन वेक्टर होता है क्या? ऑब्वियसली नहीं, ऑब्वियसली नहीं, ए बी वेक्टर इज ए बी वेक्टर बट पोजीशन वेक्टर इज पोजीशन वेक्टर, तो वो तो वेक्टर वेक्टर में भी यही होता था, वेक्टर में भी एग्जैक्ट सेम होता था। Not every vector is a position vector. It can be shifted and interpreted that way. But why? अच्छा नहीं, because मेरे को लगा था कि vector हर ऐसे position vector ही रहता है, because translate का तो मैं confused हो गया था उसमें। अच्छा okay, ठीक है, but I hope now answer is clear. हाँ हाँ, thank you sir. चलो, चलो take care, bye. अच्छा 201323 नोटेड, ठीक है समझा, दैट इज ऑल्सो अ पॉसिबल रीजन, श्योर। चलो बाय बाय बाय।